अल्लाह के खास बंदे कौन हैं जो जमीन पर आजजी इनके सारी से चलते हैं, यमशून अला अर्दी हौना, लेकिन इसका मतलब क्या है, झुक के चलना, ये झुक के नमाज पढ़ना भी सुन्नत के खिलाफ है, अपनी हालत में रहा है, यूं बिल्कुल अल्लाह अकबर ये करके यूं करके करना यूं कोई सुन्नत नहीं। हजरत वाला बारहा फरमाते थे, तो पूछ लीजिए अहले इल्म मौजूद, हर चीज अपनी अपनी जगह पर है, ना अकड़े और ना बिल्कुल झुके, ऐसे करके बाद लोग बहुत नीचे करते हैं सब, और यह बिल्कुल झुक के रहते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने माज़ुल कुरान में इन आयात की तशरीह में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आदमी को एक जवान को देखा झुक के चल रहा है बीमारों की तरफ, फरमाया तू बीमार है या इसको इसको ये आजी समझ रहा है, सीधा चल वरना कोड़ा लगाऊंगा, ये क्या तरीका जवान होके ऐसे चल। फिर मुफ्ती शफी साहब ने यह भी लिखा है कि सहाबी कहते हैं हज़रत उमर की आवाज़ बुलंद थी, रफ्तार तेज थी, आजी दिल में थी, आजी हत्तक्वाहुना बल आजजी हाउना, आजजी भी यहाँ होती है, आजजी आजजी झुकने का नाम नहीं है, नहीं मैं तो बहुत ही फकीर फकीर बंदा अब्दुल कदीर, खाद दर खाद चूल्हे की रात मुकाबला हो रहा है कि बोले मत फरमाते देखो ये क्या मुकाबला हो रहा है, आजजी इनके सारी कहने का आपका इसमें शरीफ क्या, हमारा क्या नाम पूछो, हमारा क्या नाम पूछो, खाद दर खाद चूल्हे की रात शेख अब्दुल रज्जाक के काफिया भी मिलाया, खाक दर खाक चूल्हे की रात शेख अब्दुल रज्जाक थे, अब उसका नंबर था और आपका इसमें ग्रामी इसमें शरीका रहे हमारा क्या पूछो, गूदर गू बिल्ली का गू मुकाबला हो रहा है, गूदर गू बिल्ली का गू आप गू बंदे को शेख नथू कहते हैं, ये मुकाबला ये जो नाम है बता दिए मेरा नाम ये, इसमें इसमें शरीफ इसमें ग्रामी क्या 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 आपका तारुफ क्या आपका नाम देखते, ये भी ठीक है इसमें शरीफ जो समझे ना, जो इसमें शरीफ देखे इधर उधर देखे किसको पूछ रहा है, इससे इसमें शरीफ भी ना पूछे आपका नाम क्या है, फिर भी बात वो गए थे तो उन्होंने सुन लिया था एक मौलाना कह रहे थे कि अच्छा मौलाना मैं मुरख़्स होता हूँ, इसमें मफूल कहते रुख्सत होता हूँ मुरख़्स, तो ये तो बहुत अच्छा लफ्ज इन्होंने बोला, मैं भी जाके अपने मौलाना से कहूँगा, वो समझेंगे बहुत अच्छी उर्दू हो गई, लखनऊ से आया था अब वहाँ जाके खासकर मौलाना से मिलने इसीलिए गया, और जब जान के जब मौलाना से मिल चुका अच्छा मौलाना हमने अब जब बोलने का वक्त आया जब भूल गया क्योंकि उर्दू दाद उठा रही याद अब भूल गया जहन से निकल गया, अब बहुत जोर डाला तो याद आया कि अच्छा अच्छा मौलाना अब मैं मुखन्नस हो तो तुम्हारी मर्जी है भाई मुखन्नस हो या मर्द हो या औरत हो मुखरखस हो भूल गया, तो ऐसी ऐसी लुगत बोलने की ज़रूरत क्या है कि जो आदमी जिस पर खाद सादगी है, तो इसी तरह ये भी सादा आदमी रहे सादा अंदर आजजी हो, ये जो लोग कहते नहीं मैं तो बहुत ही अकली फजल के बोलो मैं जिसकी तारीफ कर रहा बेसब अल्लाह का फजल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल सिर्फ अल्लाह ताला का है, फजल सिर्फ अल्लाह ताला का, वो अपना कमाल समझेगा ये गलत, और दुबला हो जाए उसका इनकार कर देता है, मतलब कोई अगर कहेगा नहीं मैं तो बहुत हकीर फकीर हूँ और दूसरा फौरन कहे हकीर फकीर आप तो इंतहाई घटिया दर्जे के आदमी, अब देखो उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, अगर अंदर हो तो बोल देंगे हाँ वाकई सही पहचान, लेकिन अंदर नहीं होता ऐसे ही बस ऐसे ही आजजी इनके सारी दिल असल आजजी और इनके सारी दिल के अंदर सबसे अपने आप को कमतर समझना,